तीन दलित नाबालिग लड़कियों पर एसिड अटैक, तीनों बहनें बुरी तरह से झुलसे, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तीन दलित नाबालिग बहनों पर तेजाब फेंकने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। तेजाब से बुरी तरह से ये तीनों नाबालिग लड़कियां झुलस गई हैं। घटना गोंडा जनपद के पारसपुर के पसका गांव का है। तीन दलित सगी बहनों पर किसी ने तेजाब फेंक दिया है। घटना सोमवार रात 2 से 2:30 बजे के आसपास में हुई है। जानकारी के मुताबिक तीनों नाबालिग लड़कियों के माता पिता नीचे कमरे में सो रहे थे और ये तीनों नाबालिग लड़कियां छत पर बने एक कमरे में सो रही थी और कोई सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया और इन पर तेजाब फेंक दिया। चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हुए और तीनों बहनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना स्थल को सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है, मगर वहीं परिवार का कहना है कि उनका किसी के साथ किसी भी तरह का कोई वाद विवाद नहीं है। मगर वहीं पुलिस ने जब तीनों नाबालिग लड़कियों से पूछताछ किया तो एक गांव के ही आशीष नाम के लड़के का नाम सामने आया है, जो फरार बताया जा रहा है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। गोंडा से हामिद अली की रिपोर्ट। थाना फरसपुर क्षेत्र के पसका में आज अर्ली मॉर्निंग एक अत्यंत दुस्साहसिक घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार की तीन बच्चियां, जिनकी उम्र 17 वर्ष, 10 वर्ष और 7 वर्ष है, वो फर्स्ट फ्लोर पे अपने कमरे में सोई थी। उसी समय किसी अज्ञात द्वारा उनके ऊपर अलेज्ड एसिड फेंका गया, जिससे वो इंजर्ड हुई। उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत ठीक है। शुरुआत में जब घरवालों से पूछताछ हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें किसी पे शक नहीं है। अज्ञात में उन्होंने तहरीर दी, तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। टीमें इसमें लग गई अनावरण के लिए। अनावरण के क्रम में जब उनमें से एक बच्ची से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसकी दीदी पे एक लड़का, गांव का ही आशीष नाम का लड़का, बातचीत करने के लिए बार बार दबाव बना रहा था। कुछ दिन पहले इनके बीच में कहासुनी भी हुई थी और वो बार बार परेशान कर रहा था और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। हमने अदर एविडेंसेस से भी इस चीज़ को कोरैबोरेट किया तो इस बात की पुष्टि हुई कि उसके द्वारा घटना कारित करने के अदर एविडेंसेस भी मिले हैं। वो घर से फरार भी है। हमारी पुलिस टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। हम प्रयासरत हैं कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे।